गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन। आज मैं जो लगातार आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रीचेकिंग के बारे में, उन सारे क्वेश्चनों का यहाँ पे मैं जवाब दूंगा। लेकिन आपको पूरा वीडियो ढंग से देखिएगा, एक एक पॉइंट, ताकि आपके क्वेश्चन बाकी ना रहे, क्योंकि आप जल्दी जल्दी वीडियो देखते हो तो उसके अंदर चीजें सारी क्लियर नहीं हो पाती, आदत हटा देते हो तो उसके अंदर। पूरा वीडियो देखिएगा, ज्यादा बड़ा नहीं, 6-7 मिनट का ही मुश्किल से होगा, 6 मिनट का होगा तो ज्यादा बड़ा नहीं है। उससे पहले अगर आप रेगुलर मेरे साथ बना रहना चाहते हैं, हमारे साथ में लगातार मतलब कंटिन्यू ये रिलेशन बना रहे, तो उसके लिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको रेगुलर ये न्यूज जो हैं, जो भी हर तरह के रिव्यूज हैं, वो आपको पता लगता रहे। आगे मैं आपको इसके बाद में कैरियर ऑप्शन के लिए बताना चाह रहा हूं। अभी अगला वीडियो थोड़ी देर में मैं डालूंगा, उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक 12th साइंस वालों के लिए, 60+ मार्क्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए एक वीडियो डालने वाला हूं, जरूर देखिएगा। बहुत काम का वीडियो है और काफी अच्छा बच्चों के लिए मतलब कॉन्सेप्ट है, वो ज्यादातर वो अननोन है लोगों के लिए, लेकिन वो बहुत अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट है कैरियर का, तो वो आप जरूर देखना ना भूलिएगा। अब शुरू करते हैं आज की रीचेकिंग की बात। तो रीचेकिंग के अंदर नॉर्मली जो क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं, सबसे पहले कितनी फीस लगेगी, 1000 रुपया पर पेपर फीस लगेगी हर पेपर के लिए। दूसरा, कैसे करवाएं, दो तरीके हैं। पहला, अगर आप ऑनलाइन करना चाह रहे हैं तो CISE कैरियर पोर्टल देखिएगा, ऑनलाइन खोल करके कैरियर पोर्टल, उसके अंदर जाइएगा, उसके अंदर रीचेकिंग का फॉर्म खुलेगा, उसको खोल करके आप फॉर्म फिल करिए और ऑनलाइन 1000 रुपीज आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा तरीका, आप स्कूल जा सकते हैं, स्कूल के थ्रू भी आप वो फॉर्म भरवा सकते हैं, अगर आपको टेक्निकल इतनी नॉलेज नहीं है और थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है भरने के लिए, या घर में सोर्स नहीं है, मतलब इस तरह का कि कंप्यूटर वगैरह का कोई जानकार नहीं है, तो यू कैन गो टू द स्कूल एंड स्कूल के थ्रू भी आप उसको भर सकते हैं आराम से, ठीक है। इसके बाद में दूसरी अगली जो चीज है वो ये चीज है कि क्या मार्क्स डिक्रीज तो नहीं हो जाते हैं, तो डिक्रीज नहीं होंगे, ये क्लियर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कई बच्चों के क्वेश्चन के आंसर में, और अभी फिर मैं बता रहा हूँ, कभी भी रीचेकिंग में मार्क्स डिक्रीज नहीं होते, तो इस भय को मन में मत पालिए। अगर इस चक्कर में आप नहीं करवा रहे तो बिल्कुल करवाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इंक्रीज होते हैं, तो इंक्रीज भी बहुत ज्यादा नहीं होते, कभी कभार 2-4 नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हुए मैंने अपने कैरियर में अब तक इतने सालों में नहीं देखा है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाए। लेकिन अगर आप कन्फर्म हो उस चीज के लिए कि मेरे मतलब सब 75 आने चाहिए, इधर 50 आए हैं, बिल्कुल कन्फर्म होगी, मतलब जोश में नहीं, होश में आ रहे हैं, हमसे पेपर लीजिए, पेपर को देखिए, उसके बाद में चेक करिए, और अगर आप कन्फर्म हो देन गो टू रीचेकिंग। अगली बात, किन किन बच्चों को करवाना चाहिए, एक तो मैंने आपको बताया। दूसरा, ICSE 10th क्लास के बच्चों के लिए मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं तभी रिकमेंड करूंगा अगर बच्चा कोई इंग्लिश वगैरह में 1-2 नंबर से फेल हो गया, वो रीचेकिंग करवा ले तो वो पास हो जाएगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा, ICSE के लिए मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि उन मार्क्स की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती, तो खाम खाम अपना टाइम और पैसा वेस्ट मत करिए। 12th के लिए मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि वो सर्टिफिकेट के अंदर आपके मतलब काफी आगे तक काम आएंगे, तो उसके लिए मैं जरूर रिकमेंड करूंगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे तो 12th वाले बच्चे जरूर रीचेकिंग के लिए जाएं और उनको फॉर्म भरना चाहिए, खासतौर पे अगर आपको वास्ट डिफरेंस लग रहा है अपने मार्क्स में। अगली बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, कई बच्चों के ऐसे आए कि प्री बोर्ड में मेरे ज्यादा थे, फ्रेंड के कम थे, लेकिन अब उसके आगे, तो वो चीजें प्री बोर्ड से बिल्कुल भी इनको आप कंपेयर मत करिए। प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर अलग तरीके से बनता है, दूसरा मैंने आपको पिछले कल वाले वीडियो में बताया था कि टीचर पढ़ाते हैं उसी बेस पे प्री बोर्ड का पेपर बनाते हैं, उसका उसी बेस पे आप आंसर लिखते हो तो उसी बेस पे आपको नंबर मिल जाते हैं, लेकिन वो क्या पढ़ाया है, किस बेस पे उन्होंने मार्किंग करी है, ये ICSE के पैटर्न से हो सकता है बिल्कुल अलग हो, तो वहां पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, उस तरीके से जो स्कूल में दिए गए हैं। तो ये बिल्कुल एकदम क्लियर चीज रखिए, प्री बोर्ड का इन मार्क्स से कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल क्लियरली अलग तरीके से मार्क्स आपको जैसे मालूम है वहां पे दिए गए हैं, तो प्री बोर्ड के मार्क्स के बेस के ऊपर मत कूदिए। दूसरी बात, जो फार्मूला है, एक आध नंबर उसको ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो फार्मूले को आप ब्लेम मत करिए, उनका तरीके का हमें पूरी रिपोर्ट नहीं है कैसे उन्होंने कैलकुलेशन, और वो वहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक इसलिए नहीं हो सकती, पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है, प्रोग्राम है, उसके थ्रू उन्होंने वो मार्क्स दिए हैं। अब आगे जो मैं बात आपको बता रहा हूं कि मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, किन किन को बच्चों को भरना है, तो एक बात आपको मैं ये और बताना चाह रहा हूं कि रीचेकिंग होती कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीचेकिंग में
री इवेल्युएशन नहीं होती है। री इवेल्युएशन का मतलब, आप अगर ये सोचो कि कोई बच्चा फार्म भरेगा और उसका पेपर दोबारा से पूरा चेक कर दिया जाएगा, खोल करके पूरा दोबारा से टीचर बैठ के एक एक चीज चेक करेगा, ऐसा नहीं होता। वो क्या करते हैं, नंबर वन वो आपकी देखते हैं कितनी सीट्स लगाई थी आपने, तो वो सीट्स आपकी पूरी चेक करते हैं कि क्या इसमें है या इधर उधर तो नहीं कुछ चली गई, नंबर वन। दूसरी बात वो ये देखते हैं कि सारे क्वेश्चन क्या चेक हुए हुए हैं कॉपी के अंदर, ऐसा तो नहीं कोई अनचेक क्वेश्चन रह गया, ये देखेंगे। तीसरी चीज वो देखेंगे कि आपके जो मार्क्स दिए हुए हैं पहले वाले एग्जामिनर ने, उन मार्क्स की टोटलिंग सारी फ्रंट पेज पे आई है कि नहीं आई है, और वहां पे सही से करेक्शन या टोटल उसका हुआ है कि नहीं हुआ, टोटल मतलब जो है उसका काउंटिंग हुई है कि नहीं हुई। तो ये प्रोसीजर होता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता है। तो टोटल रीचेकिंग नहीं होगी, री मतलब काउंटिंग होगी एक तरीके से। तो इसमें आमतौर पे मैंने ये देखा कि टीचर बहुत अच्छे से, उनको खुद डर होता है वो डिबार होने का कि अगर उनका गलती अगर निकली तो डिबार कर दिए जाएंगे एग्जाम से, तो आमतौर पे वो गलती करते नहीं है, ऐसी बहुत ही कम चांस है कि एक दो नंबर आपका बढ़ जाए, और ICSE के अंदर ऐसा कम देखा गया है कि नंबर बहुत ज्यादा बढ़े हों। तो ये मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ पहले से, जिससे पहले आप जाएं तो बिल्कुल सतर्क होकर और अच्छे से पूरा कॉन्फिडेंट होके ही रिकरेक्शन के लिए जाएं। इसके आगे की जो मैं बात आपको बता रहा हूँ कि रीचेकिंग के अंदर मार्क्स नहीं घटेंगे, बढ़ सकते हैं, तो थोड़े बहुत आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो ये चीजें आज के वीडियो में मेरे को बतानी थी। तो रीचेकिंग के लिए आप जाइए, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा उम्मीद ना करिए, ट्वेल्थ वाले फिर जाइए, टेंथ वाले टाइम और वो वेस्ट होएगा आपका। और एक और मैं आपको बता रहा हूँ कितना टाइम लगेगा, तो लगभग 10 से 20 दिन नॉर्मली ICSE बताता है, लेकिन एक महीना आप मान लीजिए कि वहां पे एक महीने के अंदर आपका रिजल्ट आएगा रीचेकिंग का, ठीक है। उसके अलावा मैं एक आपको कुछ वर्ड्स जो फेल वगैरह गेंद मैं एक आपको साइड में अभी थोड़ा सा लगा दूंगा, तो उसमें आप चेक कर लीजिएगा कि क्या क्या मतलब उसमें जो वर्ड लिखे होते हैं उसका मीनिंग क्या है, कंपार्टमेंट किसका है, रीचेक मतलब री एग्जाम किसको देना है, फेल कौन है, तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा उसमें। तो ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही मैं बताना चाह रहा था रीचेकिंग के लिए क्या क्या फायदे हैं और कैसे आप कर सकते हो। तो इस तरह से आज के मतलब आज संडे है, स्कूल में अगर जाना तो कल बिल्कुल जल्दी कर लीजिएगा, बहुत कम टाइम होता है, विद इन वन वीक जो होता है, जैसे रिजल्ट आता है वन वीक के अंदर आपको करना होता है, तो ये बहुत जल्दी आप कर लीजिएगा, देर ना करिएगा, नहीं तो फिर बाद में नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।